now we will see the case of pakistan. so child protection system and challenges in pakistan. Um, we have a number of organizations which are directly or indirectly dealing with the protection of children. so child protection system, may hamare legal framework for child protection. hamare aine me, me, ke hilaaf, चीज़ें मौजूद हैं पॉलिसीज मौजूद हैं तो असूली तौर पर तो कानूनी पकड़ होनी चाहिए अगर किसी भी बच्चे को वायलेशन का शिकार किया जाता है देन डिफरेंट एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट अब वो गवर्नमेंट की भी एजेंसीज हैं और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं जो बच्चों की हिफाजत के लिए काम कर रही हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है इसके अलावा और भी ऐसे इदारे हैं जो बच्चों की देखभाल का काम करते हैं और ख़ासतौर पर ऐसे बच्चे जो आइसोलेटेड हैं जिनको उनके ख़ानदान भी नहीं उनकी देखभाल कर रहे और वो तनहा हैं उनको नेशनल चाइल्ड हेल्पलाइन फिर ऐसा भी है कि गवर्नमेंट ने ऐसे पोर्टल्स बनाए हुए हैं और ऐसे इदारे बनाए हैं कि अगर बच्चों के साथ कोई ज्यादती होती है तो डायरेक्टली वहाँ पे इतला दी जा सकती है मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा किसी चौक में भीख मांग रहा है या कोई इस तरह का सख्त लेबर का, का काम कर रहा है जो बच्चों के लिए नुकसानदेह है तो फौरी तौर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन के इदारों को कॉल भी की जा सकती है इमरजेंसी कॉल्स भी अनाउंसड हैं जिनसे हम उनको बता सकते हैं कि इस बच्चे का ध्यान किया जाना चाहिए देन एस्टेब्लिश चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन जैसे मैंने अर्थ किया ये गवर्नमेंटल भी हैं ये नॉन गवर्नमेंटल भी हैं और ये सारे इदारे जो हैं वो बच्चों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं अब ये सब कुछ करने के बावजूद अभी तक ऐसे चैलेंजेस हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन में हमें उनको दूर करना है आ, सबसे पहले है चाइल्ड लेबर तो अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज में देखें तो हम चाइल्ड लेबर में तीसरे नंबर पर आते हैं यानी दो ही मुल्क हमसे आगे हैं वरना आ, हमारे जो चाइल्ड लेबर के तकरीबन 3.5 मिलियन बच्चा जो है वो हमारा चाइल्ड लेबर में है अब उस लेबर की ज़ाहिर वजूहत है कि वालदे उनके गरीब हैं तो वो अपनी चूंकि रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते तो बच्चों को तालीम की तरफ भेजने की बजाय वो उनको लेबर में भेज देते हैं जिसमें छोटे छोटे काम है जैसे तो चाय वाले के साथ काम करना या इस तरह का कुछ देन चाइल्ड एब्यूज एंड वायलेंस अब ये एक ऐसी चीज़ है कि के, के हम मुसलमान हैं और मुसलमान मुल्क है हमारा और इस्लाम में तो बच्चों को बेहतरीन तहफ़ दिया गया है लेकिन इसके बावजूद चूँकि सोशल मीडिया और इस तरह की बहुत सी ऐसी खराफात की वजह से चाइल्ड एब्यूज़ के केसेस जो हैं वो हमसे काबू में नहीं आ रहे बहुत से ऐसे केसेस अभी भी मौजूद हैं कवानी भी हैं बच्चों को प्रोटेक्ट करने के इदारे भी हैं लेकिन फिर भी वायलेंस के केसेस हमारे सामने आते रहते हैं दैन चाइल्ड मैरिज है आ, हमारे बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर छोटी उम्र में बच्चों की शादी करना कोई बुराई नहीं समझा जाता लेकिन अभी वो इस उम्र के की काबिल होती नहीं है कि उनकी शादी की जाए तो जाहिर है फिर वो चूंकि अभी एडल्ट नहीं है तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है देन लैक ऑफ अवेयरनेस एंड रिपोर्टिंग एक बात तो ये है कि हमारे बहुत से ऐसे वालदे और तो और इस भी ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि चाइल्ड वायोलेशन या एब्यूज़ असल में है क्या कितनी हद तक हम किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं यानी कितना बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है किस हरकत से सो so, वाले को भी नहीं पता कि उनके बच्चे कहाँ पर खतरे का शिकार हैं वो बिल्कुल नहीं जानते कि उनकी हिफाजत कैसे करनी है इसी तरह स्कूलों के अंदर भी जब मिलजुल के बच्चे मौजूद होते हैं एडल्ट के साथ भी उनका वास्ता पड़ रहा होता है तो वहां भी उनको अभी अवेयरनेस ही नहीं है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है यानी दूसरे लफ्जों में आप यूं समझें कि अगर कोई ऐसा केस होता भी है तो उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि या तो उसकी अहमियत नहीं समझी जाती या फिर शर्म के मारे उसको नहीं बताया जाता देन इनएडिक्ट रिसोर्सेज अब ये सब जो हम अर्ज़ कर रहे हैं कि वायोलेशन केसेस बहुत ज़्यादा हैं अब्यूज़ के केसेस बहुत ज़्यादा हैं जो रिपोर्टेड भी हैं नॉन रिपोर्टेड भी हैं लेकिन आ, उनको इस वजह से हम कवर नहीं कर सकते कि हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा इदारे बहुत ज़्यादा स्टाफ और ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बड़ी अवेयरनेस कम्पेन की जरूरत है जो हम रिसोर्स के ना होने की वजह से नहीं कर पा रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन जैसा हम यूनिसेफ के बारे में बात कर रहे थे कि उनका बड़ा कंसर्न ये है कि जो आपके बच्चों के स्टेक होल्डर्स हैं पेरेंट्स हैं टीचर्स हैं कम्युनिटी है वो सब मिल के काम करें तो बच्चे की बेहतर नशो नुमा हो सकती है घर के अंदर घर के बाहर स्कूल में हर जगह जहाँ वो जाता है उसको एक महफूज माहौल मिलना चाहिए लेकिन अगर हमारे इदारों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा हर कोई अपना काम अलग से कर रहा है और ऐसी जगहों पे कर रहा है कई दफ़ा ऐसा होता है कि जहाँ रिसोर्स अप्लाई करने होते हैं वहाँ तक रिसोर्स पहुँचते नहीं और दूसरी जगह पर वो ज़ाया हो जाते तो उनके अंदर कोलेबोरेशन नहीं होगा तब भी हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है और कोई खातिर ख़ा नतज उसके नहीं निकल सकते दैन सोशियो कल्चरल नॉर्म्स कुछ हमारे नॉर्म्स ऐसे हैं जैसे मैंने अर्ज किया कि हम इस तरह के मामला पे बात करते हुए घबराते हैं शर्म करते हैं ख्वाब हमारे बच्चों के मामले में हो ख्वाब बच्चियों के मामले में हो और तो और बड़ों के मामले में भी तो अब होता यह है कि लोग बात ही नहीं करते अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक्य पेश आ भी जाए जो वायलेंस में शुमार हो और तो और घर में बच्चे की मार कुटाई करने के बाद पेरेंट्स कभी नहीं बाहर बताते कि जी हमने अपने बच्चे को इस तरह से वायलेंट डिसिप्लिन किया है या और भी हमने कुछ तो जब उनको खुद भी मालूम नहीं कि वो बच्चों का क्या नुकसान कर रहे हैं ये नहीं मालूम कि दूसरे क्या नुकसान कर सकते हैं और तो और ये भी मालूम नहीं कि इसके नतज क्या हो सकते हैं तो फिर अब एक नॉम ऐसा बन गया है कि सब अच्छा ही समझा जाए और इन मामला पर तवज्जो नहीं दी जाए तो चैलेंज तो बरकरार रहेगा